हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज़ प्रणव जैन और आज का हमारा टॉपिक है शॉक, मेजर टाइप्स ऑफ शॉक एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो फिजियोलॉजी में और सेकंड ईयर में हैं तो पैथोलॉजी में स्टार्टिंग विथ वॉट इज शॉक इसको आपको समझना है रटना नहीं है शॉक एक एबनॉर्मल प्रोसेस है पैथोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सट्रीम और वाइड स्प्रेड फेलियर हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम का आइदर ड्यू टू डिक्रीज़ कार्डियक आउटपुट और डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम अब ब्लड का सर्कुलेशन डिक्रीज हुआ है तो सिस्टमिक हाइपोटेंशन हो जाएगा मतलब ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हुआ है तो टिश्यू का परफ्यूज़न मतलब टिश्यू की ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाएगी डिक्रीज़ हो जाएगी जिसको हम बोलेंगे हाइपो परफ्यूज़न टिश्यू की ब्लड सप्लाई डिक्रीज हुई है तो इससे क्या होगा टिश्यू की ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज हो गई तो टिश्यू में क्या होगा हाइपोक्सिया हो जाएगा सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है मतलब सेल्स को एनर्जी भी नहीं मिल पाएगी जिसकी वजह से रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हो जाएगी और अगर ये हाइपोक्सिया कंटिन्यू करता है तो इ रिवर्सिबल टिश्यू इंजरी हो जाएगी एंड इट विल फाइनली लीड टू ऑर्गन फेलियर एंड डेथ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए एक बार इसको दोबारा पढ़िए आपको ये याद हो जाएगा आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट मेजर टाइप्स ऑफ शॉक हाइपो शॉक न्यूरोजेनिक शॉक एनाफाइलेक्टिक शॉक कार्डियोजेनिक शॉक एंड इन डिटेल अबाउट सेप्टिक शॉक फर्स्ट इज हाइपो शॉक नाम खुद बता रहा है वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से शॉक हुआ है तो हाइपोवॉलम्बिक शॉक में क्या होता है लॉस ऑफ ब्लड प्लाज्मा और फ्लूड दैट लीड्स टू डिक्रीज सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम अब ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है तो कार्डियक आउटपुट भी हमारा डिक्रीज हो जाएगा एंड इट विल लीड टू एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारी पैथोजेनेसिस ऑफ शॉक कंटिन्यू कर जाएगी हाइपोवालिक शॉक के क्लिनिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं कॉमन सेंस यूज करनी है ब्लड प्लाज्मा और फ्लूइड का लॉस कब होता है मैसिव हेमरेज के केस में बर्न्स के केस में वॉमिटिंग डायरिया और कहाँ पर देखने को मिल सकता है एक्सीडेंट्स में या फिर मेजर सर्जरी में सो दिस इज हाइपो शॉक नेक्स्ट वी हैव कार्डियोजेनिक शॉक। हार्ट की एबनॉर्मैलिटी हार्ट में पैथोजेनेसिस की वजह से शॉक हुआ है सो मायोकार्डियल डैमेज हार्ट की मसल्स में डैमेज हो सकता है या फिर मैकेनिकल एबनॉर्मेलिटी ऑफ हार्ट की वजह से कार्डिय आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा दैट विल लीड टू एक्सट्रीम एंड वाइड स्प्रेड फेलियर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और हमारी शॉक की पैथोजेनिस कंटिन्यू कर जाएगी कार्डियोजेनिक शॉक के क्लिनिकल एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम यहाँ पर भी कॉमन सेंस आपको जितनी भी हार्ट की पैथोलॉजी पता है अगर माओकार्डियल से रिलेटेड है माओकार्डियल इन्फॉक्शन माओकार्डाइटिस वैल्व का डैमेज वेंट्रिकल में डिफेक्ट्स वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट वेंट्रिकुलर एरिदमिया वेंट्रिकुलर तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होंगे कार्डियोजेनिक शॉक के थर्ड इज़ एनाफाइलैक्टिक शॉक एनाफाइलैक्सिस में क्या होता है हिस्टामिन का रिलीज होता है पूरी बॉडी में तो मास्ट सेल क्या करते हैं बर्स्ट कर जाते हैं और पूरी बॉडी में हिस्टामिन का रिलीज होता है हिस्टामिन वैसोडाइलेशन कराता है वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा सिस्टमिक हाइपोटेंशन और शॉक की पैथोजेनेसिस कंटिन्यू हो जाएगी क्लिनिकल एग्ज़ाम्पल है आई जी ई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन फोर्थ है हमारा न्यूरोजेनिक शॉक न्यूरोनल डैमेज की वजह से शॉक हुआ है तो क्लिनिकल एग्जाम्पल है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में एक्यूट वैसोडाइलेशन होता है पूरी बॉडी में वैसोडाइलेशन होगा तो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा सिस्टमिक हाइपोटेंशन और ये साइकिल कंटिन्यू कर जाएगी देखिए आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है अगर शौक पे लॉन्ग क्वेश्चन आता है एग्जाम में और आपके पास ज़्यादा कंटेंट नहीं है पर टाइम है तो आप क्या कर सकते हैं पहले आप ये लिखेगा फिर उसके बाद हाइपो शॉक को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए कार्डियोजेनिक शॉक को पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए तो ऐसे आपका ज़्यादा कंटेंट बन जाएगा और ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे लास्ट इज सेप्टिक शॉक सेप्टिक शॉक इज़ ड्यू टू सीवियर सेप्सिस विद हाइपोटेंशन विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय इन्फ्यूजिंग फ्लूइड्स तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर डिक्रीज जो होता है वो आई वी फ्लूड्स देने के बाद भी ठीक नहीं होता है सेप्सिस क्या होता है इन्फेक्शन की वजह से बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स डिसरेगुलेट हो जाता है और ऑर्गन डिसफंक्शन कर देता है उसको हम सेप्सिस बोलते हैं कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फंजाए रिकेटिया पर जो हमारा मोस्ट कॉमन कॉज होता है वह होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और उसमें भी स्टेफाइलोकोकस ऑरियस स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी एंड एंटेरो so अब हम फाइनली पढ़ेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक इस वाले फ्लोचार्ट को आपको समझना भी है और याद भी करना है और सेम फ्लोचार्ट आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है अगर पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक पे क्वेश्चन आता है तो जो हमारे कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म ये क्या करेंगे माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स रिलीज करेंगे फॉर एग्जाम्पल एंडोटॉक्सिन पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स डैमेज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स बैक्टीरियल पैप्टाइड तो एंडोटॉक्सिन क्या करेगा यहाँ पर फैक्टर ट्वेल्व का एक्टिवेशन करा देगा और फैक्टर ट्वेल्व को पाथवे में इन्वॉल्व होता है तो एक्टिवेशन हो जाएगा हमारे को का ब्लड का कोएगुलेशन होगा तो माइक्रो वेसल छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं उनमें थ्रोम्बोसिस हो जाएगा टिश्यू में स्केमिक डैमेज होगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा तो ये एक पाथवे है मल्टी ऑर्गन फेलियर का माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करेंगे और इंजर करेंगे हमारे एंडोथीलियल सेल्स को एंडोथीलियल सेल्स क्या करेंगे टिश्यू फैक्टर का रिलीज करेंगे और एंटी कोएगुलेंट्स को डिक्रीज करेंगे टिश्यू फैक्टर एक प्रो कोएगुलेंट है प्रो कोएगुलेंट मतलब कोएगुलेशन को इंक्रीज करेगा तो यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन होगा कोएगुलेशन का थ्रोम्बोसिस होगा एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर एंडोथीलियल सेल्स ऑल्सो रिलीजेस इंटरल्यूकिन सिक्स एट नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज एंड मैनी अदर मीडिएटर्स दिस विल लीड टू इंक्रीज वेस्क्यूलर परमिबिलिटी एंड डिक्रीज परफ्यूजन दैट विल ऑल्सो रिजल्ट इन मल्टी ऑर्गन फेलियर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हमारे कॉम्प्लीमेंट्स का एक्टिवेशन भी करेंगे फॉर एग्जाम्पल सी थ्री ए सी फाइव है सी थ्री भी और कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन फर्दर किस को एक्टिवेट कर देंगे एंडोथीलियल सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन का सिर्फ यही काम है मेजर पाथवे क्या है माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स एक्टिवेट करेंगे हमारे न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफिजिस को देखिए कैसे करेंगे जो हमारे माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स हैं फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल पेप्टाइड्स वो हमारे न्यूट्रोफिल और माइक्रोफेजिस के सेल्स पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिनको हम टोल लाइक रिसेप्टर्स बोलते हैं उन पर जाकर बाइंड करेंगे और इन सेल्स का एक्टिवेशन करा देंगे जिससे रिलीज होंगे हमारे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर इंटरल्यूकिन वन ट्वेल्व एटीन एंड अदर साइटोखाइंस तो ये जो हमारे साइटोकाइंस रिलीज़ हुए हैं ये हमारे एंडोथीलियल सेल्स का एक्टिवेशन कराएंगे साथ ही साथ ये हमारे आई एल सिक्स आई एल एट नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का भी रिलीज़ कराएंगे जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा अब ये जो हमारे साइटोकाइंस रिलीज हुए हैं ये मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज करेंगे जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ये साइटोकाइंस क्या कर रहे हैं हमारे हार्ट पर एक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑर्गन डिसफंक्शन होगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर होगा देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है ये जो हमारे हार्ट पर एक्टिविटी हुई है कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से हमारी ये वाली पैथोजेनेसिस कंटिन्यू कर जाएगी और हमारा ऑर्गन फेलियर हो जाएगा तो यहाँ पर मल्टी ऑर्गन फेलियर हो रहा है साइटोकाइन से मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज भी होंगी तो ये जो सारा पाथवे है ये है हमारा इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स अब एक होता है हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ये जो हमारे एक्टिवेशन हुए न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफीज़ का ये हमारे सेकेंडरी एंटी इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी रिलीज करेंगे फॉर एग्जाम्पल आई एल टेन और हमारे एपोप्टोसिस को एक्टिवेट करेंगे जिसकी वजह से इम्यून सप्रेशन हो जाएगा सो so, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं हमारे एंडोथीलियल सेल्स कॉम्प्लीमेंट्स और न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजिस का एक्टिवेशन करा रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स एंडोथीलियल सेल्स का एक्टिवेशन कराते हैं न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजिस से कुछ साइटोकाइन रिलीज होंगे जो एंडोथीलियल सेल्स का एक्टिवेशन कराएंगे और कुछ हमारे सेकेंडरी मीडिएटर्स रिलीज करेंगे जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा एंडोथीलियल सेल्स हमारे प्रो को भी इंक्रीज करेंगे टिश्यू फैक्टर को इंक्रीज करेंगे एंटी कोएगलेंट्स को डिक्रीज करेंगे माइक्रोवेस्कुलर थ्रोम्बोसिस होगा टिश्यू इस्कीमिया एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल एंडोटॉक्सिन फैक्टर ट्वेल्व को एक्टिवेट करेगा जिसकी वजह से टिश्यू इस्कीमिया हो जाएगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर तो हमारे दो पाथवे हैं हमारा इन्फ्लामेटरी पाथवे एंड एंटी इन्फ्लामेटरी पाथवे सो दिस इज ऑल अबाउट शॉक टाइप्स ऑफ शॉक एंड पैथोजेनेसिस ऑफ सेप्टिक शॉक दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए